नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम लौकी मुठिया बनाएंगे, इसे दूधी मुठिया भी कहते हैं, और इसे बहुत ही कम तेल से स्टीम करके बनाया जाता है। इसे कभी भी स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। लौकी मुठिया बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो एक प्याला ले लेंगे और प्याले में हम गेहूं का आटा आधा कप, सूजी आधा कप, बेसन आधा कप और ये करीब 1.5 कप कद्दूकस की हुई लौकी, नमक 3/4 छोटी चम्मच या स्वादानुसार, हल्दी पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, हींग 1 पिंच, 2 हरी मिर्च बारीक कटे हुए, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ या 1/2 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट ले सकते हैं, और 1 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1/2 छोटी चम्मच जीरा और 1/4 छोटी चम्मच से भी कम बेकिंग सोडा, 2 छोटे चम्मच तेल। और अब हम मुठिया के लिए आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। तो जो लौकी का जूस है उसी में हमारा आटा गूंथ जाएगा, हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें हम 1 छोटी चम्मच नींबू का रस यानी कि 1/2 नींबू डाल देंगे। आटे को गूंथ लेते हैं। ये एकदम सॉफ्ट आटा हमने लगाकर तैयार कर लिया। अब हम मुठिया बनाएंगे। उन्हें स्टीम करने के लिए हमें एक छलनी या ऐसा बर्तन चाहिए जिसके ऊपर ये छलनी इस तरीके से आ जाए और इसे हम रख देंगे, या फिर प्रॉपर स्टीमर में बना सकते हैं मुठिया। इसको हम थोड़ा सा तेल लगाकर चिकना करेंगे ताकि मुठिया इसके ऊपर चिपके ना। और अब हम हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और मुठिया बनाएंगे। तो ये 2-3 इंच की लंबाई में और लगभग 1 इंच ब्यास की मोटाई में हम मुठिया बनाकर तैयार करेंगे इस तरीके से हाथ से, और छलनी में रख देंगे। तो सारे आटे से हम इस तरह की मुठिया बनाकर तैयार कर लेते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाएंगे क्योंकि ये अभी फूलेंगी। ये हमने सारी मुठिया बनाकर छलनी में अरेंज कर ली। अब हम इन्हें स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने के लिए हम बर्तन में हम 3 कप पानी डाल देंगे। तो पानी को ढक देते हैं ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। पानी में उबाल आ गया है, भाप बन रही है। अब हम मुठिया को स्टीम करने के लिए बर्तन के ऊपर रख देंगे और पूरे 20 से 25 मिनट तक हम इसे स्टीम करेंगे। इसे ढक देते हैं और फिर चेक करेंगे। 20 मिनट हो गए हैं और हम ये मुठिया चेक कर लेते हैं। देखिए बहुत अच्छी फूली है, बहुत अच्छी लग रही है दिखने में मुठिया। चेक करने के लिए हम चाकू को मुठिया के अंदर डालेंगे और बाहर निकाल लेंगे और देखेंगे कि हमारे चाकू पर आटा लग के आ रहा है कि नहीं। तो ऑलमोस्ट मुठिया बन गए हैं, चाकू पर आटा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम इसे और स्टीम कर लेते हैं। मुठिया को हमने और 3-4 मिनट स्टीम कर लिया। मुठिया पूरी तरीके से पक कर तैयार हो गए। गैस बंद कर देते हैं और छलनी को उतार कर हम जाली स्टैंड पर रखेंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। मुठिया ठंडे हो गए हैं, हम इन्हें 1/2 इंच के मोटे पीसेस में काट लेंगे। तो हम इन्हें काट लेते हैं। तो इस तरीके से हम सारे मुठिया काट कर तैयार कर लेते हैं। हमारे मुठिया बहुत ही स्पंजी, बहुत अच्छे बने हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो पैन गरम कर लेते हैं। पैन में हम 2 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। तेल को गरम होने देते हैं। तेल गरम हो गया है। तेल में हम 1/2 छोटी चम्मच जीरा,
आधा छोटी चम्मच राई या सरसों के दाने भी डाल सकते हैं। और जीरा को हल्का सा ब्राउन होने देते हैं, राई को चटकने देते हैं, गैस धीमी कर देंगे ताकि ये जले ना। और अब हम एक छोटे चम्मच तिल डालेंगे, इनको भी हल्का सा भूनते हैं। और अब हम ये मुठिया इस मसाले में डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया भी डालेंगे और इन्हें इस तरीके से मिक्स कर देंगे। सारे मुठिया के ऊपर मसालों की कोटिंग अच्छे तरीके से आ जाए। मुठिया को हम थोड़ा सा पलट देते हैं और हल्का सा क्रिस्प होने देते हैं। मुठिया बनकर तैयार है, गैस बंद कर देंगे और मुठिया को प्लेट में निकाल लेंगे। मुठिया तैयार है, बहुत ही अच्छी बहुत ही टेस्टी मुठिया बनी है। और इनके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालकर गार्निश कर देते हैं। और मुठिया को हरे धनिया की चटनी या दही की चटनी या किसी भी अपनी मनपसंद चटनी के साथ में परोस सकते हैं। मुठिया बनाना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख लें, जब आप मुठिया का आटा लगा रहे हैं, आटे में लौकी मिलाते हैं, तो अगर आटा आपको लगता है कि थोड़ा सा सख्त है तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आटा बहुत ज़्यादा रनी जैसा हो रहा है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपने लौकी कितनी डाली है, लौकी का जूस कितना है, तो अगर आटा पतला सा लग रहा है तो उसमें थोड़ा सा आटा डाला जा सकता है। तो इस तरीके से आटे की कंसिस्टेंसी इतनी गाढ़ी होनी चाहिए कि आप अपने हाथों से उन्हें आकार दे सकें। आप बहुत अच्छी मुठिया बनाएंगे। आप मुठिया बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।